हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का लव एंड आरती शर्मा फैमिली ब्लॉग्स में। एंड शुरुआत हो गई है होली ब्लॉग की। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े। इस तरह से मैंने बैटर बना लिया था अलग से और वेजीज काट के रख ली थी अलग से, और वन बाय वन करके डिप करके इस तरह से मैंने बहुत ही टेस्टी टेस्टी पकौड़े बनाए। आप बताना आपको कैसे लगे, मतलब मुझे टेस्टी लगे, आप भी बताइएगा देख के। और ये बैटर मैंने रेडी कर दिया है पुए के लिए, माल पुए बनते हैं ना वो पुए के लिए। और यहाँ पे टेरिस गार्डन से लाया हुआ प्याज के पत्ते और पालक है, जिससे हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी यमी यमी ऑर्गेनिक चटनी। तो इस तरह से हमारा ब्लॉग। और ये मैंने यहाँ पे आलू की पिट्ठी बनाई है। इस पिट्ठी को मैं जो मैंने समोसे जैसा एक डो बनाया हुआ था उसको मैंने रोल कर लिया और उसके अंदर मैंने इस तरह से डाल दिया, और इसके बाद इसको अच्छे से स्प्रेड करके मैंने बनाए थे। तो मैं बनाने जा रही हूँ अब स्पिन व्हील बना रही हूँ, और ये आपको ना बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। आप देखना ज़रा कैसे हमारे यहाँ पे होली मनाई जाती है। बाहर का दिखाओ, बच्चे इंजॉय कर, मुझे लेना फिर फोकस इस पर करना। तो इस तरह से मैंने बनाए थे स्पिन व्हील, बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बहुत लोगों के लिए तो ये पानी से खेलना, गुब्बारे मारना, कलर से खेलना, मतलब होता है, इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कुकिंग का फेस्टिवल होता है, और कुकिंग तो खैर हर फेस्टिवल में होती ही होती है। तो हम लोगों को कलर वगैरह से खेलना इतना पसंद नहीं है, तो हम लोग कुकिंग करके इंजॉय करते हैं होली। तो यहाँ पर हो गए हैं पकौड़े रेडी, ये तो हम खाएंगे। देखो मैंने कितने बड़े बड़े पकौड़े बनाए हैं, देखो आलू के और ये प्याज वाले। और यहाँ पे ये स्पिन व्हील जो है रेडी हो रहे हैं। प्याज को छिल रहे हो हैं? चटनी के लिए। और यहाँ पर इन्होंने कर दिए चटनी की प्रिपरेशन। तो एक ऑर्गेनिक चटनी बन रही है, और एक गांव से लाए हुए पत्ते, हमारे में भरूनी के पत्ते बोलते हैं, तो उनकी मेडिसिनल चटनी भी बनेगी। दो दो टाइप की चटनी बनेगी। एंड इस तरह से फिर हमने ये ऊपर जो है सर्व करने चले गए थे। एक बार प्लीज। अभी नहीं। कैसे बने पकौड़े पापा जी? कैसे बने पकौड़े? और लगी हुई है होली भाई, सारे के सारे जो है होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो। और अरे भी ये मुझे भिगाने लगा हुआ है, तब से मुझे भिगाने लगा हुआ है। मैं इसको कह रही हूँ मेरा कैमरा भीग जाएगा, मत कर। हमने अपनी प्लेट्स भी रेडी कर ली हैं, और यहाँ पे हो रही है होली, और मैं इनको लगाऊंगी कलर। तो कोई भी सिंथेटिक कलर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, बस ये भी, हाँ ये भी सिंथेटिक ही है, पर ये फिर भी फेस पे लगाया जाता है ना। ये आरव को भी हैप्पी होली। मुझे तो कोई लगा ही नहीं रहा यार। लगा? मैंने कहा मैं खुद ही लगा लूं, कोई लगा नहीं रहा मेरे को, तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। मैंने भी लगा ली। हैप्पी होली आप सभी को, YouTube फैमिली को भी हैप्पी होली, आप सबके लिए भी पकौड़े। वैसे तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ ब्लॉगिंग में, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ अब, क्योंकि कुछ टाइम हो गया मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, और हस्बैंड अभी शाय फील करते हैं कैमरे में आने से, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आज होली के ब्लॉग की एंडिंग ये करेंगे, आप करो कैसे? अरे करो ना, बोलो बोलो ना, बोलो ना, सबको हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी होली बोलो। सभी को हैप्पी होली। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे हो, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अरे आप भी सबको हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली। तो फ्रेंड्स यही था आज का होली स्पेशल ब्लॉग, और थोड़ा सा ही शूट कर पाई हूँ मैं, कुकिंग वगैरह ही दिखा पाई हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कोशिश कर रही मैंने।
अपनी तरफ से। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी YouTube फैमिली को हैप्पी होली। थैंक यू, बाय, टेक केयर।